अब नेमिंग करके देखा जाए, हमें सबसे पहले देखना है लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन यदि आप बोलो कि ये लॉन्गेस्ट चेन है तो ये तो नहीं है, भले स्ट्रेट जा रही है तो क्या हुआ, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, हम इधर से चले इधर 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 इधर, ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन, इससे लंबी और कोई चेन मुझे नहीं मिल रही, और ये हो गए मेरे दो ब्रांचेस। अब मैं यदि यहां से नंबरिंग करती हूं तो 1 2 3 पे ब्रांच आती है, यहां से नंबरिंग करती हूं तो 1 2 3 पर ब्रांच आती है, इससे मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकती हूं। तो यदि मैं नंबरिंग करूं यहां पे, तो नंबरिंग ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो हमारी पेरेंट चेन हो गई हेक्सेन, उस पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स और दोनों सेम है मिथाइल, तो हम कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, 3-3-dimethylhexane। अब आप ये देखो मेरे पास दो मिथाइल थे, इसे मैंने डाइमिथाइल लिखा, दोनों की पोजीशन थर्ड है, इसे मुझे दो बार 3 लिखना पड़ा, और फिर जो लॉन्गेस्ट चेन है हेक्सेन, और मैंने यहां पे कोई भी ब्रेक नहीं दिया, इसे कंटिन्यूअस वर्ड, इट्स वन वर्ड, इट्स अ नेम, इट्स वन वर्ड, सो आई कॉल्ड इट 3-3-hyphen फिर डाइमिथाइल हेक्सेन। अब इसको करते हैं, इसको आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये एक सब्सिट्यूएंट है, ये एक सब्सिट्यूएंट है। अब नंबरिंग यदि मैं यहां से करती हूं तो 1 2 3 4 कार्बन पे आती है ब्रांच, और यहां से करती हूं तो 1 2 3, सो आई हैव टू नंबर इट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ रूल दैट द ब्रांचेस शुड बी एट द लोअर नंबर। और अपनी यदि रोज की भाषा में बोले तो भैया वहां से ब्रांच ले लो जहां से जल्दी आ जाए, यहां से तीसरे कार्बन पे आई, यहां से चौथे कार्बन पे आई, तो हमें तो थर्ड कार्बन वाली बात चाहिए, क्योंकि हम इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, सबसे छोटे नंबर पे होनी चाहिए ब्रांच। अब जब नेम करेंगे तब ये इथाइल का ई, मिथाइल का एम, सो हाउ डू वी नेम इट, यस यू कैन ऑल्सो ट्राई, इट इज 3-3-methylhexane, ओके 3-ethyl-3-methylhexane, ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसे पहले लिखा गया और बाद में लिखा गया एम। अब इस पे आते हैं, इस पे लॉन्गेस्ट चेन तो हमें यही दिखाई दे रही है सीधी सीधी, अब ब्रांचिंग यहां से करूं तो सेकेंड पे, यहां से करूं तो सेकेंड पे, तो फिर हम लोएस्ट सम रूल देख लेंगे। यदि यहां से करती हूं तो मेरे पास आता है 1 2 3 4 5 6, और यहां से करती हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो हम यदि यहां पे देखें तो हमारे पर ब्रांचेस हैं, ऊपर वाले केस में ब्रांचेस हैं सेकेंड पे, फिर फोर्थ पे और फिर फिफ्थ पे, इधर से देखें तो ब्रांचेस हैं सेकेंड पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे, दोनों की ब्रांचेस शुरू सेकेंड से हो रही हैं, तो हम लोएस्ट सम रूल देख लेते हैं, यहां पे आ रहा है 11, यहां पे आ रहा है 10, तो हम इसको यूज करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब ब्रांचेस लोएस्ट नंबर पे आनी चाहिए। पर यदि ऐसा ऑप्शन हो आपके पास कि दोनों में ही पहली ब्रांच सेकेंड पे आई, तो आप क्या करें, तो फिर लोएस्ट सम रूल, जिन जिन कार्बन के ऊपर ब्रांचेस है, वेर एवर देर आर ब्रांचेस ऑन द कार्बन चेन, जस्ट एड अप द नंबर्स ऑफ दोस कार्बन एटम्स, तो दिस इज द सेकेंड कार्बन वेर यू हैव द ब्रांच, दिस इज द फोर्थ कार्बन वेर यू हैव ए ब्रांच, दिस इज द फिफ्थ कार्बन वेर यू हैव ए ब्रांच, सो फाइनली यू हैव द सम बिकम्स 11, एंड इफ यू मूव फ्रॉम दिस साइड, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड, देन ऑन द सेकेंड कार्बन यू हैव ए ब्रांच, ऑन द थर्ड कार्बन यू हैव ए ब्रांच, एंड ऑन द फिफ्थ कार्बन ऑल्सो यू हैव ए ब्रांच, सो यू हैव 2+2+3+5 विच इज इक्वल टू 10। नाउ हाउ डू वी नेम इट, ऑल ऑफ देम आर मिथाइल, दे आर 3-methyl, सो वी से 2,3,5-3,5-trimethyl, पेरेंट चेन हैज हाउ मेनी कार्बन, 6, ट्राइमिथाइल हेक्सेन, एंड रिमेंबर this is one word, so there is no gap in between, there is no gap in between, this is one word,
there are 3 methyl, so I use trimethyl and I will have to give the positions where these methyl groups are attached. Now coming to this, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, if you want we can add one more. If there is one more, then how do we name it? Here you have 2. So I want to make clear one more thing. Whenever you have this way or this way, you have to compare where the substituents are. In this case, naturally you are going to opt for this, because from this end when you move, you get 2 substituents in the second carbon. And when you move from this end, aapko second carbon pe ek substituent mil raha. So you will number it 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the name of the compound is, can you try? Yes, go ahead. This is 2, 2, 5, trimethyl hexane. It's very simple. I'm sure you must have done it. Hai na? Bahut simple sa chal raha hai na? Chalo, aur aage dekhte hain. Iski naming kaise hogi? Aray, ye bhi to bahut simple hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, there are 2 possibilities. You have a structure where are 2 possibilities to choose the longest chain. Then how do we go about it? When you have a situation like this, jab aap aise situation mein pad jate ho, tab aapko kya karna pata? Aap wo wali longest chain le lo jiski branches jyada hain, jiske paas substituents jyada hain. Jitni jyada branches hogi, wo wala aapko longest chain lena padega, provided aapke paas koi aur option ho. Yadi ek option hai to fir to kuch sochna hi nahi hai. But if there are more than one options, like here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god, you have got three choices. So what do we do? If I go like this, I have 1, 2 and 3 branches. If I go like this, I have got 1, 2 and 3 branches. If I go like this, I have got 1, 2 and 3 branches and they are all alike. So, koi sa bhi case le lo, aap aise le rahe ho to bhi kitni branches aa rahi hai? 2 methyl, 1 ethyl. Theek hai, aap aise le rahe ho to bhi kya aa rahi hai? 2 methyl, 1 ethyl. Aur yadi aap aise le rahe ho to bhi kya aa rahi hai? 2 methyl aur 1 ethyl. Ab positions dekh lete hain. हमें यहाँ पे यदि ऐसे में ले रही हूँ तो भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, ऐसे में ले रही हूँ तो भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, ऐसे में ले रही हूँ तो भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो यदि मैं इसकी नेमिंग करूँ तो चलो ऐसे ले लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप सीधा सीधा लिख दोगे 2, 2 डाई मिथाइल 4 इथाइल. बट दिस इज नॉट द वे यू आर गोइंग टू राइट. यू विल राइट 4 इथाइल, अल्फाबेटिकली देखना है. और अल्फाबेटिकली में डायमिथाइल का डी नहीं देखना होता. अल्फाबेटिकली आप देखोगे तो मिथाइल दोनों सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसलिए उसके आगे यदि डाई आ रहा है तो मैं डी नहीं देखूंगी, मुझे इथाइल का ई देखना है. तो इसकी नेमिंग कैसे करूंगी मैं? दिस इज 4 इथाइल, देन 2, 2 डायमिथाइल हेक्सेन. ओके, इज दैट ओके? अब इसकी नेमिंग के बाद अपन यहां चलते हैं. यहां पे भी आपको कुछ कुछ ब्रांचेस और सब दिखाई दे रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.